एक छोटा सा इशू हो गया अपने साथ, अपनी टीम में एक बंदे का ना काफी ज्यादा यार मेजर एक्सीडेंट हो गया भाई, है ना। सो फिलहाल भाई अभी ना हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। थायराइड इतना ज्यादा यू नो कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाता यार वर्क पे ना, जब ये सब चीजें हो थोड़ा सा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो भाई नए दिन की शुरुआत हो चुकी है यार, और फुल ऑफ एनर्जी तो नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि थोड़ा सा यार है ना एक छोटा सा इशू हो गया अपने साथ, अपनी टीम में एक बंदे का ना काफी ज्यादा यार मेजर एक्सीडेंट हो गया है भाई, है ना। तो यार बहुत बड़ा इशू है, मतलब छोटा भी नहीं कह सकते, बड़ा ही इशू है यार, है ना। एंड ही वॉज यू नो वन ऑफ आर मेन टीम मेंबर, मतलब वन ऑफ द मेन पर्सन। तो यार काफ़ी बड़ा इशू है, और जैसे ही अपन मतलब मैं ट्रिप से आया ना, सडन मैं मतलब आके बैठा ही हुआ था कि आई गॉट द न्यूज़। तो रियली सैड यार। फिलहाल भाई जैसे ट्रिप से आए तो यार एक और प्रॉब्लम हो गई है, अपनी गाड़ी के दोनों टायर फ्रंट वाले पंचर हो गए हैं। सो भाई दोबारा यार देख रहे हो, पता नहीं यार इतना चलती नहीं, इतना पंचर होने लग गई यार अपनी गाड़ी ना। ऑल दो हाईवे ड्राइव होती है सारी, फिर भी पंचर बहुत हो रहे हैं यार। अभी फ़िलहाल भैया चेक कर रहे हैं, देखते हैं। सो भाई गर्मी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है यार, एकदम हाई लेवल पे है। और अभी फ़िलहाल जो पोजीशन है वो ये है भाई कि पता नहीं क्या यार, स्क्रीन पे देखो दिखा रहा था टेम्परेचर लो है ना, तो अपने को चेक करवाना ही था, और कुछ कम भी लग रहा था एयर प्रेशर, बट फिर अभी कराया यार कोई पंचर डिटेक्ट हुआ नहीं है। एक सेकंड पहले ना बेल्ट लगा लेते हैं। सो फिलहाल भाई ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, और ऑफिस पहुंचने के बाद ना एक बारी हॉस्पिटल भी चलना है वापस से, मतलब वैसे तो मैं जा ही रहा था, बट यार देखो मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं करा था। अभी फिलहाल देखो अब कितना आप उसको हाइड करोगे, अब वो मेरे रूटीन में आ चुकी है, मेरे को हॉस्पिटल रेगुलरली विजिट करना ही पड़ेगा भाई, तो है ना। अभी देखो अपना टीम का बंदा है तो यार बनता है भाई, है ना, क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ऑफिस पहुंचते हैं फटाफट, फिर वहां से हॉस्पिटल चलेंगे, देखेंगे क्या अपडेट है, फिर उसके बाद वापस से ऑफिस आएंगे और काम कंप्लीट करेंगे। सो भाई अभी यू नो चार से पाँच दिन हो चुके हैं, चार से पाँच दिन बाद इस वाली रोड पर आ रहे हैं। अभी देखते हैं कि आगे चल के इस रोड पे क्या पोजीशन है, तो मेरे होपफुली शायद बेटर हो, या क्या पता वैसी ही हो जैसी छोड़ के गए थे। भाई यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो यार यही पोजीशन रहती है ना, ये जो पता नहीं यार यहाँ पर पानी कहाँ से आ जाता है यार। फिलहाल में मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर एक दो दिन में तो कोई बारिश हुई नहीं है, लास्ट वीक में शायद हुई थी, बट अभी फिलहाल में एक दो दिन में तो नहीं हुई है, शायद वही पानी अभी भरा हुआ है। बट एनीवेज भाई काफ़ी कमी है, ज़्यादा तो नहीं है, बाकी रिपेयर शायद नहीं हो रहा है, रिपेयर अब शायद रुका ही हुआ है यार, डोंट नो भाई कब होगा। सो भाई ये वाला पैच तो यहाँ पर सही हो रखा है पहले से ही, और आगे देख रहे हो GF टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, तो भाई टोल वालों की गाड़ी जा रही है, होपफुली वो भाई देख लें, सर्वे कर लें। भाई फोन आ गया। सो भाई अभी ना जस्ट हॉस्पिटल से ही फोन कॉल आया था, तो अभी अपने को डायरेक्ट मतलब ऑफिस जाने से पहले सीधा पहले हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, तो वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करता हूं क्या इशू है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. तो भाई अभी ना हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, ठीक है अभी सीधा चलते हैं, अपने को एक ट्रांसपोर्ट पे छोटा सा और एक काम आ गया है, अभी यहीं पे नियर बाय है, तो यार सोच रहे हैं कि पहले उसको फिनिश कर लें फिर सीधा ऑफिस चलें। ऑल दो इतना लेट हो चुका हूँ ना भाई, इतना ज़्यादा लेट हो चुका हूँ क्या ही बताऊँ ऑफिस जाने के लिए, बट एनीवेज भाई जो अभी फ़िलहाल काम करके आए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखो यार डॉक्टर्स का कहना ये है कि भाई हेड इंजरी है और कॉन्शियसनेस आने में अभी हो सकता है मे बी दो दिन चार दिन और लग जाए, बट प्रोबेबली हमें ऐसी उम्मीद है कि शायद कल तक कुछ बेटर रिजल्ट्स होंगे। तो भाई
अभी पता चलेगा। एनी हाउ अभी एग्जैक्टली तो कुछ भी नहीं कह सकते, है ना, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला काम फिनिश करते हैं। सो भाई ट्रांसपोर्ट वाले भैया के पास यार काम अपना बना नहीं अभी। एक्चुअल में ना हमें दूसरी ब्रांच पे जाना पड़ेगा यार, वहाँ पर अपना मटेरियल स्टक्ड है, तो अभी वहीं पर जा रहे हैं। फिलहाल वहाँ फटाफट पहुँचते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। सो भाई इस एरिया से अपने को निकलना पड़ रहा है, ये बेसिकली अपना मार्केट वाला एरिया आपको पता ही होगा। और भाई आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ, ये देखो भाई, भाई 40 डिग्री, भाई 40 डिग्री, भाई इतना टेम्परेचर है यार, इतना टेम्परेचर। भाई इस साइड ना काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ यार, और काफ़ी मतलब इतना स्पीडली अपने यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है ना फरीदाबाद में, कि जिस भी साइड अगर आप 15 से 20 दिन ना जाओ तो कुछ ना कुछ चेंज वहाँ नज़र आता है। अभी देख रहे हो यहाँ पर भी कितना चेंज नज़र आ रहा है, सारी रैलिंग्स वगैरह और सारा मतलब क्लीनलीनेस से दिख रही है, अच्छा है यार। सो भाई ट्रांसपोर्ट वाला काम अपना फिनिश हो चुका है, ये देखो डॉकेट। तो अभी फिलहाल सीधा चल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, फिर कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनली गाइज अपने ऑफिस से यार अब निकल चुके हैं, है ना। और भाई आज का दिन आपको पता ही है यार कितना, मतलब थोड़ा सा पता ही है आपको कि क्या इशू हुआ है अपने साथ, तो थोड़ा सा सैड है। प्रोडक्टिव तो कुछ भी नहीं था आज, बस हैक्टिक था और बस बिजी शेड्यूल था, और इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो पाता यार वर्क पे ना, जब ये सब चीज़ें हो थोड़ा सा इफेक्ट आपको करती हैं, हो जाती हैं। एनी हाउ क्या कर सकते हैं भाई। तो फिलहाल एनीवेज गाइस अभी चलते हैं घर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुके हैं, बट क्या कर सकते हैं भाई, अभी फ़िलहाल घर चलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें और प्लान करनी है, काफ़ी सारा वर्कलोड है, काफ़ी सारा आफ्टर ऑफिस आवर्स भी वर्क करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, वो सब करने पड़ेंगे, तो प्रोबेबली काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट एनी हाउ मैनेज तो करना है। तो भाई फिलहाल अभी आज देखो ट्रैफिक तो मिल रहा है अपने को, क्योंकि वर्किंग डे है तो ट्रैफिक तो मिलना ही है, बट फिर भी मतलब ऑन एन एवरेज मतलब कम ही है, मतलब मूविंग ट्रैफिक है, तो प्रोबेबली यार डायरेक्ट घर ही चल रहे हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। एक बारी घर फटाफट से पहुंच जाते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं भाई। सो फाइनली गाइज घर पहुंच चुके हैं यार, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है भाई, और डिनर वगैरह तो देखो हो चुका है, फिनिश हो चुका है, बट भाई अभी ना बहुत सारा अपना काम पेंडिंग है यार। देखो ऑफिशियल वर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर आपका कोई टीम मेट, अगर कोई टीम मेंबर, अगर आपका आपको पता है कि यार एक फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब देखो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑफ अराउंड 4 मंथ्स 6 मंथ्स, मतलब एक काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी है अगर कोई ऐसा इतने टाइम के लिए फेज आउट हो रहा है, नहीं अवेलेबल है, तो भाई कुछ ना कुछ देखो प्लानिंग करनी पड़ती है। बहुत सारा उसका जो वर्कलोड है, जो वर्क पार्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोचना पड़ता है, तो वही सारी चीज़ें अभी चल रही है यार, ठीक है, टोटली इन अ टेंस सिचुएशन, बट एनी हाउ भाई देखो दिस इज़ लाइफ, है ना। कभी वी आर फ्रूटफुल, कभी जॉयफुल होते हैं, कभी सैड होते हैं, यही खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस, दिस इज़ लाइफ। तो भाई अभी फ़िलहाल के लिए ट्रिप आपको कैसा लगा है थोड़ा सा आप ज़रा कमेंट करके बताना भाई, आपको ट्रिप कैसा लगा अपना वैष्णो देवी वाला, काफ़ी अच्छा ट्रिप हुआ यार। देखो उस ट्रिप के बाद ही जस्ट ये हो गया, तो मैं आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाया, बोल ही नहीं पाया, पूछ ही नहीं पाया कुछ भी, तो भाई उस ट्रिप के बारे में ज़रूर प्लीज़ यार कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। रोड ट्रिप भाई हम क्यों करते हैं भाई, रोड ट्रिप देखो इसलिए ही करते हैं क्योंकि अपना पैशन है ट्रैवल, और ट्रैवल का अल्टीमेट फन ना रोड पे है भाई। अगर आप ओनली डेस्टिनेशन इन्जॉय करना चाहते हो तो आप एयर ट्रैवल चूज़ कर सकते हो, है ना, और आप मतलब जो भी फास्टेस्ट मीन्स है वो चूज़ कर सकते हो, बट आपको पूरा अगर जर्नी इन्जॉय करना है और डेस्टिनेशन भी इन्जॉय करना है तो भाई रोड ट्रिप आई थिंक इज़ फैबुलस, तो वो तो मस्ट है भाई इसीलिए। सेकेंडली भाई देखो ट्रेन ट्रिप, तो ट्रेन से तो भाई ऑलमोस्ट बहुत सारे आपको व्लॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ट्रेन के व्लॉग्स, बट यार रोड ट्रिप के इतने व्लॉग्स भी नहीं थे यार इस रूट पे, पर्टिकुलरली मैंने चेक किया था थे, बट उतने ज़्यादा नहीं थे एज कम्पेयर टू जो ट्रेन वाले व्लॉग हैं, है ना। और ट्रेन का क्या यार, सिंपल ट्रेन है, मैंने आपको बताया भी है व्लॉग में, तो आप उसको बुक कर सकते हो, प्री बुक कर सकते हो और जा सकते हो, तो
इसीलिए भाई मैंने रोड ट्रिप करा। अभी और भी सारे ट्रिप्स प्लान में है, बट देखो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से देखते हैं अभी क्या क्या चीज़ें यू नो असेंड और डिसेंड करनी पड़ेगी, क्या चीज़ों को डाउन करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें पहले लेनी पड़ेगी। ट्रिप तो देखो नो डाउट हमें करना ही है, बट अभी यही सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं कि पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, वही सारा अभी अपने को सोचना है, देखना है, करना है। तो फिलहाल के लिए भाई अभी काफ़ी टेंस सिचुएशन है और जल्दी इससे बाहर आ जाएंगे, है ना। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन ऐसा नहीं होता। तो भाई अभी बस यही है फिलहाल के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत जल्दी मैं आपको देखो आने वाले व्लॉग्स में अपडेट करूँगा कि अब नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कहाँ चलेंगे। फिलहाल के लिए जो प्लानिंग थी उनको तो यार देखो थोड़ा सा अपने को आपको पता ही है चेंजेस करने हैं, तो वो करेंगे, वो भी अपडेट करूँगा आपको। और अब आपको पता ही है यार देखो ये वीडियो मैं एंड करना चाह रहा हूँ। क्यों एंड करना चाह रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो अभी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, तो वो वाले काम भी फिनिश करने हैं। आज का दिन थोड़ा सा एक्टिक है भाई, लेट नाइट तक वर्क अपने को करना पड़ेगा। कल से थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना शुरू होंगी चीज़ें, तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें प्लान करते जाएंगे, करते और यू नो सारी चीज़ों को मैनेज करते जाएंगे। और इसी के साथ भाई अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई गिव इट अ लाइक। चैनल पर अगर नए हो भाई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन स्माइल। और गाइज कीपिंग योर लाइफ 05 आपके भाई की इंस्टा आईडी है, प्लीज़ जाके फॉलो कर लो। लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं।